फिरदौस पटेल के साथ में उम्मीदवारी आपको मिलने की कहां तक गुंजाइश है? नगर सेवक रह चुके 5 या 6 टर्म के यूएन बेरिया साहब वेल एजुकेटेड थे, एडवोकेट हैं, तो उन्होंने आज कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में प्रवेश किया है और उसके बाद आप कांग्रेस से उम्मीदवारी भर रहे हैं। एक एजुकेटेड पर्सन कांग्रेस से बाहर निकल गया और एक एजुकेटेड पर्सन कांग्रेस में दाखिल हुआ। बात आपने जज्बात की तो जज्बाती पार्टी एक MIM भी है और मुस्लिम कौम के जज्बात MIM से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हालात में आप कहां तक कामयाब होने की गुंजाइश रखते हैं? फरवरी में कश्मीर फाइल की बात की, मार्च में उन्होंने उर्दू की बात की, अप्रैल में लाउड स्पीकर की बात की और मई में ताजमहल को तेजा महल बनाने की बात की। बेरिया साहब की हम अगर बात करें तो वो 5-6 टर्म के नगर सेवक थे, तो उनको आप अपनी मुखालिफत में कहां तक देखते हैं? कांग्रेस ने 70 सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया? सुशील कुमार शिंदे अगर सोलापुर के लिए कुछ किए होते तो वो पिछले 2 मरतबा हार का सामना नहीं करते ना। आपने NTPC की बात कही, NTPC के सोलापुर का जो NTPC है यहाँ से बिजली सप्लाई हो रही कर्नाटक, सोलापुर के कई इलाकों में आज भी जो है लोड शेडिंग शुरू है, तो सोलापुर को जब आप कन्वीनियंट बिजली सप्लाई नहीं कर रहे और बिजली बेच रहे कर्नाटक में, प्रभाग 16 की राजनीति, माजी महापौर बेरिया से क्या टक्कर होगी आसान? कांग्रेस पक्ष से इच्छुक उम्मीदवार शेख इलियास अब्दुल लतीफ के साथ खुली चर्चा देखना मत भूलिए, 2 जुलाई रविवार शाम ठीक 6 बजे।